ग्वालियर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं ग्वालियर में दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर लूट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां फर्नीचर कारोबारी से बदमाशों ने 3 लाख रुपए लूट ली और फरार हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए फिर कहा कि सारे मोदी चोर हैं, देश की गरीब जनता के करोड़ों रुपये लेकर विदेश भाग गए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें मतदाताओं को जागरूक किया गया। इनका आयोजन किया गया किस तरह का है सर, युवाओं को जागरूक करने के लिए क्या किया? छोड़ छोड़ ये मैराथन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ सके और लोकसभा के दरमियान 6 मई को हमारा चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग इसमें निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान कर सकें, इसके लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन किया गया। इसमें छोटे बच्चों से लगा करके बुज़ुर्ग तक सभी भाग ले रहे हैं और ये मैराथन के इस आयोजन के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि सभी लोग मताधिकार का उपयोग करें और एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में होशंगाबाद जिले के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें उसको जागरूक करने के लिए हमने इस मैराथन का आयोजन किया था। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े उत्साह से पूरे होशंगाबाद जिले के और उसके आसपास के जिलों से भी कुछ प्रतिभागी इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। ये दर्शाता है कि होशंगाबाद जिला पूरे तरीके से आगामी 6 मई को जो लोकसभा निर्वाचन होना है उसके लिए तैयार है और उत्साहित है। इस उत्साह के माहौल को बनाए रखते हुए सभी लोग अपने मतदान केंद्र पर जाकर के अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश के प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे। करीब कितने लोगों ने इसमें मतदान इस मैराथन में भाग लिया? इस मैराथन में जो हमारा रजिस्ट्रेशन है 4000 से अधिक लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन। कुछ कहा जा रहा है कि प्रदेश से बाहर से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेते हुए आए? बिल्कुल निश्चित तौर पर काफ़ी लोग हैं जो प्रदेश से बाहर के भी हैं, प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों से भी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और वो भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और एक बड़ी अच्छी बात है कि दूर दूर से लोग भी इस मैराथन में भाग लेने के लिए। महुआ में एक ईवीएम मतदान केंद्र से लापता हो गई। ईवीएम बरामदगी के लिए प्रशासन सारी रात जद्दोजहद करता रहा लेकिन मशीन का कहीं भी पता ना चल सका। आखिरकार ईवीएम मिली और प्रशासन ने राहत की सांस ली। मुरादाबाद में दबंगों को शराब के पैसे देने से इनकार करना युवक को भारी पड़ गया। उन्होंने युवक को जिंदा जला दिया, युवक बुरी तरह से झुलस गया। प्रसाद थाना मुंडा पाटे PRV 257 को 257-100 100 नंबर पर सूचना गांव के रामकिशन सुरेश के पिता का नाम घासी सिंह निवासी गणेश घाट ने सूचना दी कि मेरे गांव में बंटी नाम के लड़के को किसी ने आग लगा दी है। वो पूरी तरह से जल गया है। मौके पर पहुँचे एम्बुलेंस का इंतजार ना करते हुए उसे PRV द्वारा तुरंत करीब में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामपुर लाया गया। गांव से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामपुर की दूरी करीब है और वहां से मुरादाबाद की दूरी करीब 24-25 किलोमीटर है। कौन से गांव का मामला है? गणेश घाट। थाना क्षेत्र कौन सा लगता है? ये थाना मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद का। कैप कर। ठीक ठीक ओके जी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। जी भाई, आपके भाई को अभी क्या हुआ, क्या बात हुई है? ये खेत से आ रहा था, फिर उसको दो लोगों रोक लिया। वो कहने लगे कि या तो दारू पी या फिर क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, पैसे दे हमें। इसने इनकार कर दिया मैं दारू नहीं पीऊँगा, इसके ऊपर दारू डाल के साहब आग लगा दी। कौन लोग थे? मोहल्ले के ही साहब। को क्या नाम? एक का नाम हरकेश है, एक का नाम बल्टी है। अच्छा, तो उसके बाद में आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ जी, पुलिस को फॉर्म डायल किया हमने जब ये लोग अपनी गाड़ी में लेकर आए। तो इनको जिला अस्पताल रामपुर क्यों लाया गया? जी सर, ये करीब में पड़ता ना। यूपी के मुरादाबाद में दहेज लोभियों के द्वारा महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। एक बार फिर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी। बुलंदशहर के गांव मीरापुर में पूर्व प्रधान के दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सेफनी में चाय बनाते समय आग लगने से रसोई गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई।
मेरठ के गांव मुलहेड़ा में दो मासूम बच्चों को दबंगों ने कबूतर चोरी के शक में रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। बालक के पिता के गुहार के बाद भी दबंगों ने नहीं मानी और बच्चे को पीटते रहे। बिलारी के गांव थावला में बीती रात महिला के पति और सास ससुर द्वारा विवाहिता की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहले जाने में लाने में। अच्छा, पहले कभी कुछ शिकायत हुई थी? हाँ, आए दिन झगड़ा होता था वहाँ पे। जब भी बुलाना गए हैं वहाँ रहे, झगड़ा हुआ हर बार। कितने शादी कितने दिन हो गए? तो करीब 7 महीने लगभग। अच्छा, तो अब कब से सीन में झगड़ा चल रहा था? झगड़ा भी 4-5 दिन पहले आई है गाँव से अपने महके से ही। आपको सूचना किस द्वारा दी थी? कब दी थी? कल सूचना दी तबीयत खराब होने की। बार बार फोन करके पूछने का, बताओ तो बात कराओ हमारी, बताएं नशे में पड़ी है, अभी दवाई खाई है इन्होंने, आपसे बात नहीं कर सकती। 2 घंटे बाद फिर फोन किया, फिर इन्होंने कहा अभी दवाई में डॉक्टर ने मना किया है, सो रही है अभी, अभी बात नहीं कर सकती। गले पे कोई निशान है? हाँ, गले पे निशान है, नीले निशान है गले पे, गला दबा के हत्या की गई है इसकी। अच्छा, तो आप घर पे कौन कौन पाए गए? घर पे तो एक दो आदमी थे, बाकी कोई घर पे नहीं है। सुबह से घर पे नहीं है कोई भी आदमी। पुलिस आई थी घर पे? हाँ, पुलिस आई है, तहरीर लिख के ले गए, FIR दर्ज हो रही है इनके खिलाफ। किन किन के नाम FIR दर्ज कराएंगे आप? ये परिवार वालों के नाम मैं ठीक से नहीं जानता। ये वो तस्वीर है, यहाँ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ताजा मामला बिलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव थामले का है। यहाँ सास ससुर और पति द्वारा एक महिला को गला दबाकर हत्या कर दी गई, फिर हत्यारे मौके से फरार भी हो गए। अभी उसकी द्वारा सूचना दी गई महके वालों को, तो मौके पर पहुंचे महके वालों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर PM को भेज दिया है। अभी कब तक फरार चलते हैं या फिर पुलिस कितनी तेजी से संज्ञान में लेते हुए इस मामले पर कार्रवाई करती है? आखिर क्यों महिला सुरक्षित नहीं है? दानवीर सिंह, CMN न्यूज, मुरादाबाद, बिलारी। गाजियाबाद के डासना जेल में स्टूडेंट कैदियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। स्टूडेंट ने अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए सलाखों के भीतर से ही कड़ी मेहनत करी और उसे मुकाम तक पहुँचाने का पहला कदम आगे बढ़ा दिया। जी सर, आपका नाम? सर रजीराम मौर्य, मैं जेल अधीक्षक जिला कारागार डासना के रूप में तैनात हूँ। सर, ये बच्चे जो पास हुए, टोटल कितने बच्चे थे 10th और 12th के अंदर? देखिए, जिला कारागार डासना में हाई स्कूल और इंटर के तहत जो भी बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते थे उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया, जिसके कारण हाई स्कूल में कुल 11 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए किया हुआ था, जिसमें से 8 बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं और 2 बच्चे सेकंड क्लास पास हुए हैं और केवल 1 बच्चा हमारा किन्हीं कारणों से असफल हो गया। उसको हम लोग देखेंगे कि क्या रह गई, आने वाले एग्ज़ाम में पुनः उसको मोटिवेट करके अपीयर कराने की पूरी कोशिश करें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विद्युत विभाग के अवर अभियंता ने नए कनेक्शन के नाम पर खुलेआम रिश्वत लेने की मांग की, जिसका अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुरुग्राम जिला अदालत में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। लोकसभा में सभी लोगों को अपने वोट का प्रयोग करें और इसको लेकर कैंप लगाया गया। यूपी के मेरठ में इलाज न मिलने पर एक महिला मरीज ने बिजली की तार पकड़ ली, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। शाहबाद के बेरोवा गांव में ट्रक चालक की मौत के बाद परिवार में रोटी कपड़े के लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं गांव के मौलाना रईस अहमद ने बेड़ा उठाया कि वे मृतक के बेसहारा परिवार को सरकार से मदद दिलाई गई। यूपी के बुलंदशहर में मोहब्बत के दुश्मनों ने प्रेमिका का गला दबाकर पहले हत्या करी, फिर शव को जला डाला। पुलिस ने प्रेमिका की हत्या कर जलाने के आरोप में प्रेमिका के दादा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चिलचिलाती गर्मी में जहां लोगों का जीना मुहाल हुआ, तो वहीं गंगा बैराज पुल पर अचानक आई दरार से बड़े वाहनों पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसे लेकर यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शाहजहाँपुर के एक गांव में मतदान के दौरान आपसी गाली गलौच होने पर लाठी डंडे निकल आए। मारपीट के बाद लाठी डंडों से हुई मारपीट में दोनों पक्षों के सिर और हाथों में चोट आ गई। यूपी के बुलंदशहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
24 घंटे के अंदर खुर्जा में बदमाशों ने गोली मारने की दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। आज सुबह लाखों की नकदी लेकर जा रहे गल्ला व्यापारी से लूटपाट करने में नाकाम बाइक सवार तीन बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी।